तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा नाश्ता जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी है और झटपट से बन के रेडी हो जाएगा। आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही कम सामान में बन के रेडी होगा जो भी आपके किचन में रहता है हमेशा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पैन ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद ऐड कर लेंगे जीरा, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो यहाँ पर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। एक कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और खूब सारा धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते ज़रूर ऐड करिए। उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को और हाई फ्लेम में हम इसे बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल होने लग जाएगा तब ऐड कर लेंगे एक कप के बराबर सूजी और सूजी को ऐड करके हम इसको पकाएँगे। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए इस तरीके से डो के फॉर्म में लाने तक पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे साइड में और अच्छे से इसे फैला देंगे ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम अपना अगला स्टेप करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो, पूरी तरीके से नहीं, तभी हमें इसको अच्छे से मसल के एक डो के फॉर्म में रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें डो बना के रेडी कर रहा है। उसके बाद हम हाथों को ग्रीस करेंगे और छोटा छोटा पोर्शन लेके हम यहाँ पर शेप देंगे। मैं यहाँ पे छोटे छोटे इसे बॉल बना रही हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी शेप में इसे बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटा छोटा बॉल बना के रेडी किया है। सभी हमें इसी तरीके से बना के रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने सभी बना लिया है और अब हम इसको करने वाले हैं स्टीम। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है और अब हम इसमें एक एक करके सभी बॉल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आराम से हमें सभी बॉल को ऐड करके स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैंने सभी ऐड कर लिया, अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये बढ़िया से स्टीम हो गया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, उसके बाद ऐड कर लेंगे करी लीफ, करी लीफ ज़रूर ऐड करिएगा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे चाट मसाला पाउडर और जीरा पाउडर। इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सभी स्टीम किए हुए बॉल। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सभी स्टीम किए हुए बॉल और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे ना। तो ये देखिए अच्छे सभी मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। ऊपर से ऐड कर लेंगे धनिया के पत्ते और बस बनके रेडी हमारा सुपर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। आप चाहो तो इसे लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हो। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।